fun manner. So what are we waiting for? Let's get into the video. Our today's topic of discussion is matter in our surroundings. तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है. तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम एंड हैज मास ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज जो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, थोड़ा सा स्पेस उसको चाहिए रखने के लिए और साथ ही में उसका मास भी हो, यानी कि थोड़ा वजन हो उसका. नो मैटर हाउ स्मॉल, लेकिन वजन होना चाहिए. तो ये दोनों ही चीजें जब किसी चीज के पास होती है, देन इट बिकम्स अ मैटर. ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो हमारे आस पास, हमारे सराउंडिंग में हम जितनी भी चीजें देखेंगे वो सभी मैटर ही है या मैटर से बनी हुई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स. ठीक है, तो बुक्स को एक जगह चाहिए, दे ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम एंड साथ ही में उनका वजन भी होता है, उनका मास भी होता है. ठीक है, तो दे कैन बी क्लासिफाइड एज मैटर. नाउ वाटर की अगर हम बात करें, तो पानी को जब आप एक ग्लास में डालते हो तो वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसका वॉल्यूम हो गया एंड साथ ही में ग्लास भी ज्यादा हैवी हो जाता है, उसका मास होता है. ठीक है, तो अगेन इट कैन बी क्लासिफाइड एज मैटर. अब अगर हम एयर की बात करें, तो एयर को जब आप एक बलून में ब्लो करते हैं तो बलून फूल जाता है, दैट मीन्स कि उतना उसने जगह ऑक्यूपाई कर लिया, उतना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया एंड साथ ही में उसका बहुत थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ा वजन भी होता है. ठीक है, तो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज मैटर. ठीक है, उसका वॉल्यूम वो चाहे कितना ही छोटा ले, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वाटर ड्रॉप ही क्यों ना हो, इतना छोटा सा अगर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका मास भी अगर बहुत कम है, फिर भी वो मैटर ही कहलाएगा. ठीक है, अब इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स. मैटर को हम थ्री मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी चीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे है उसके बेसिस पे हम उस चीज को तीन टाइप में या तीन डिविजन्स में ग्रुप कर सकते हैं. नंबर वन सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, ट्रीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी सॉलिड चीजें कहलाती है. देन देयर कुड बी लिक्विड. ठीक है, दूसरा फॉर्म ऑफ मैटर है लिक्विड, वाटर है, ऑयल है या ऐसा कोई भी चीज, तो उसको हम कहते हैं लिक्विड. एंड देन देयर कुड बी गैसेस. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर है गैस, इट कुड बी एयर, ऑक्सीजन या ऐसा कोई भी दूसरा चीज, तो उसको हम बोल सकते हैं गैस. जैसे हमने देखा कि मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग तीन डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ये जानना. ठीक है, तो सबसे पहला तो मैटर का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, वो पार्टिकल्स से बना हुआ है. अब ये प्रूव करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक लोगों को ये लगता था कि मैटर कंटिन्यूअस है. ठीक है, बट देन लेटर ये प्रूव हो गया कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल्स से बना हुआ है. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. सपोज आपके पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें आपने पानी लिया हुआ है. ठीक है, अब आप क्या करते हैं, एक स्पून फुल ऑफ सॉल्ट उसमें डालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये एक स्पून है, उसमें आप सॉल्ट डालने की, यहाँ पे आप सॉल्ट डालने की कोशिश करते हैं. देन व्हेन यू स्टर इट, आप ये देखते हैं कि वो सॉल्ट जो है वो इसमें मिक्स हो गया. ठीक है, साथ ही में अगर वाटर का लेवल इनिशियली यहाँ पे था, तो सॉल्ट डालने के बाद उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट जो है वो पानी से ना ही ऊपर है, ठीक है, वो अंदर घुल गया है, यानी कि ना ही पानी के ऊपर है ना ही पानी के नीचे है, वो अलग नहीं हो गया, पानी के अंदर चला गया. अब किसी भी चीज को जब किसी और चीज के अंदर जाना हो तो क्या होगा, तो ये इसी तरीके से हो सकता है कि सपोज कीजिए कि ये एक सॉल्ट का पार्टिकल है. ठीक है, उसके सराउंडिंग में जब ढेर सारे वाटर के पार्टिकल्स आ जाए, सिर्फ तभी वो बॉटल में डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, अब अगर पानी अगर कंटिन्यूअस होता, ठीक है, तो कोई चीज उसके अंदर जा ही नहीं सकती. ठीक है, यानी कि सॉल्ट या तो पानी के ऊपर रह जाता या तो नीचे चला जाता, लेकिन वो अंदर नहीं रहता. तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है. ठीक है, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस है और वहीं पे एक छोटा सा दूसरा पार्टिकल आके बैठ सकता है. ठीक है, नाउ सी कि ये पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, यानी कि
क्या वो बहुत बड़े होते हैं या क्या वो बहुत छोटे होते हैं? तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, क्योंकि हमने देखा कि एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स के बीच में जा सकता है, ठीक है, तो वो बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो कितने होते हैं, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि आपने एक बीकर लिया हुआ है और उसमें आपने पानी डाला। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप उसमें एक स्पूनफुल ऑफ शुगर डालने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप जब एक स्पूनफुल ऑफ शुगर डालते हैं, अब ये देखेंगे कि शुगर डिसॉल्व होने से पहले छोटी होती जाती है साइज में, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए सपोज कीजिए कि ये इनिशियल साइज था, हम एक ही क्रिस्टल की बात करते हैं सो दैट हम सिंपली इसको समझ सकें। सपोज कीजिए कि एक शुगर का क्रिस्टल है, ठीक है, और वो एकदम से पूरा चला नहीं जाता, वो धीरे धीरे छोटा होता है, ठीक है। यानी कि पहले सपोज वो इतना था तो पहले वो इतना होगा, फिर इतना होगा, एंड देन फाइनली वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रिस्टल है, शुगर का जो एक क्रिस्टल है, वो एक्चुअली ढेर सारे छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स, सपोज ये पानी है, ठीक है, उसके आसपास पानी, तो अब ये जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स हैं, ये वाले सपोज इतने मान लीजिए आप, यहाँ तक के जो भी पार्टिकल्स है वो पानी के तुरंत कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे पानी है और यहाँ पे वो क्रिस्टल्स है, तो वो तुरंत ही वो पानी के दो पार्टिकल्स के बीच में ये वाला पार्टिकल तुरंत ही आ जाएगा और इसके कारण ये वाला इतना लेयर पहले उसमें डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर बचा इतना, तो ये तो चला गया, अब इसके आसपास पानी आ गया, ठीक है। सेम वे में ये वाले इतने भी डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर ये चला गया, इतना बचा, ठीक है। तो सेम वे में ऐसे वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? बेसिकली कंक्लूजन यही है कि जो भी क्रिस्टल है, इतना छोटा सा क्रिस्टल हमको लगता है, लेकिन वो क्रिस्टल इन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सो मेनी स्मॉल लिटिल पार्टिकल्स, ठीक है, और वो पार्टिकल्स धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज बहुत बहुत छोटा हो। नाउ डिस्कस द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमसे ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते, एक ही फिक्स पोजिशन नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे? अगेन सपोज कीजिए कि बीकर है, उसमें पानी है, उसमें आपने शुगर डाला, ठीक है। तो अब अगर ये शुगर के पार्टिकल्स, जैसे मैंने बताया कि वो धीरे धीरे क्रिस्टल छोटा होता जाता है एंड देन पूरा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर ये पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर रहे होते तो क्या होता कि पानी का इतना लेयर जो होता वो शायद आपको स्वीट लगता एंड बाकी का जो लेयर, इतना वाला जो पार्ट है, वो आपको बिल्कुल मीठा नहीं लगता, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी उसमें सॉल्ट या शुगर या ऐसे कोई भी चीज जब आप डिसॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा ही जो सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि इतने पार्ट में ही आपको नींबू पानी का टेस्ट आएगा एंड देन इतने पार्ट में सिर्फ सिंपल पानी, ठीक है। तो इससे यही प्रूव होता है कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे सोल्यूशन में, पूरे पानी में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और वो कैसे हो पाएगा? अगर वो एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो क्या वो डिसॉल्व हो पाएंगे? नहीं, दे हैव टू मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। वो हर कहीं मूव करते हैं और उसी के कारण वो डिसॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज मूव कर रही है उसका मतलब क्या है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, दैट मींस दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब और एक चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे वो ये है कि टेम्परेचर के इनके मूवमेंट पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कि आपको अगर एक शुगर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसको ठंडे पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसको गर्म पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब वो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में तो है, यानी कि उनके पास एक टाइप ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन जब आप उनको हीट करते हैं तब उनके पास दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाता है, विच इज हीट एनर्जी, ठीक है। तो अब क्योंकि उनके पास दो एनर्जीज है, वो और भी फटाफट मूव करने लगते हैं, कंटिन्यूअसली और भी ज्यादा फास्ट मूव होने लगते हैं, और क्योंकि वो और भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं तो वो और भी इजीली या कम टाइम में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ टॉक अबाउट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन एक्चुअली दो छोटे वर्ड से बना हुआ है, डाई विच मीन्स टू एंड फ्यूजन मतलब मिक्स होना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, दो चीजों का मिक्स होना, ठीक है।
इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कुछ वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इसमें मैं सॉल्ट डिसॉल्व करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब दो चीजें पॉसिबल है। हमने ये देखा था कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, ये पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे आजू बाजू हर कहीं मूव करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, हर कहीं वो मूव करते हैं। तो दो चीजें हो सकती है, एक सॉल्ट पार्टिकल के बीच में और एक वाटर पार्टिकल के बीच में। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से टकरा के अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चले जा सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि जब दो चीजें टकराती हैं तो वो ऐसे मोमेंटरीली टच होके बाद में वापस अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो इस चीज को हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। टकरा के वापस चला जाना, दैट इज कोलिजन। लेकिन हमको स्टडी करना है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल, ये क्या होगा कि ये दो पार्टिकल शायद थोड़े नजदीक आ जाएंगे, सो दैट उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, एंड ये वाला पार्टिकल एग्जैक्ट स्पेस के बीच में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये वाला सॉल्ट पार्टिकल इन दो पानी के पार्टिकल में डिसॉल्व हो गया या मिक्स हो गया, ठीक है। तो दो चीजें, वाटर और सॉल्ट, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई, इसीलिए इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो टकरा के वापस चला जाना इस कोलिजन, एंड टकरा के जुड़ जाना यानी कि मिक्स हो जाना, दैट इज। Let us now talk about our last property, जो कहता है कि particles of a matter attract each other, ठीक है। हमने ये देखा था कि कोई भी चीज छोटे छोटे particles से बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन ये सारे particles जब एक साथ आते हैं तभी वो matter बन सकता है, ठीक है। तो suppose कीजिए कि हमारे पास ढेर सारे particles, ठीक है। अब इन चीजों को जब एक matter बनना है, ठीक है, तब उनको एक दूसरे के साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है। और साथ रहने के लिए उन दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। जब तक कोई दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं या उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, तो वो दो अलग ही रहेंगे, ठीक है, और वो कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कोई भी मैटर जब फॉर्म होना हो तब पार्टिकल्स के एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक आर्मी के जैसे या चेन के जैसे बना सकते हैं, एंड तब जाके एक पर्टिकुलर मैटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कोहेजन फोर्स और दूसरा होता है एडिजन फोर्स। दोनों ही पार्टिकल्स को साथ में रखते हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन की ही बात हो रही है। ये दोनों ही फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बहुत सिंपल सा बात है। सपोज ये पानी का एक ग्लास है, ठीक है। अब ये जो पानी के दो पार्टिकल्स हैं, उन दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं कोहेजन फोर्स, ठीक है। दो सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि ये भी पार्टिकल पानी का है, ये भी पानी का पार्टिकल है, तो दो सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। लेकिन अब यहाँ पे ये वाले अगर इस चीज की हम बात करें, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये ग्लास के पार्टिकल के साथ भी फोर्स में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, ठीक है, तभी वो यहाँ पे रह पा रहा है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो वो पूरा नीचे चला जाता, ठीक है। तो ये ग्लास का पार्टिकल और इस पानी के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं एडिशन फोर्स, ठीक है। एडिशन फोर्स मतलब क्या, दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, ग्लास का पार्टिकल अलग टाइप का है और पानी का पार्टिकल अलग टाइप का है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्शन का फोर्स होता है और वो दोनों एक जगह पे रह पाते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं एडिशन फोर्स। फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, देन प्लीज लाइक माय वीडियो। आल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाजू में एक छोटा सा बेल का आइकन है, वो भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता